नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बहराइच में रविवार को कलेक्ट्रेट में सेवा निर्मित हुए दो होमगार्डों का सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। इस दौरान जिले के दर्जनों होमगार्डों ने एकत्रित होकर उनका माल्यार्पण किया, साथ इनको शाल ओढ़ाकर व रामायण देकर उन्हें सम्मानित किया। होमगार्ड संघ के जिला अध्यक्ष हीरा लाल ने बताया कि ये दोनों गार्ड गजेंद्र नाथ अवस्थी व सुरेश चंद्र शुक्ला ब्लॉक तेजवापुर में तैनात है। ये दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन्होंने 38 साल सेवा दी है। इस दौरान इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी इनके हाथ खाली है, क्योंकि होमगार्ड के रिटायर होने के बाद सरकार द्वारा उन्हें कोई भी राशि मुहैया नहीं कराई जाती है। उन्होंने मांग की कि सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होमगार्डों को कम से कम 50-50 लाख रुपया देना चाहिए, ताकि वह अपना बचा जीवन सुखी से बिता सके। हीरालाल भास्कर, जिलाध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन जनपद बहराइच। आज हमारे दो भाई रिटायर होकर जा रहे हैं, जो हम लोगों के साथ करीब 38 वर्ष नौकरी करके 60 वर्ष पूरे होने के बाद आज ये विभाग से जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे जवानों द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया और इनको सम्मान पूर्वक विदाई समारोह किया गया। क्योंकि बहुत निष्ठा और ईमानदारी से ये दोनों भाई हमारे ड्यूटी किए आज तक, और कभी भी ड्यूटी काल में इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं आया। बहुत सम्मान पूर्वक अपना जीवन अपने निष्काम भाव से इस विभाग में दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से यही मांग करता हूं कि हमारे विभाग में जो होमगार्ड विभाग में जो दोहरी नीत है, इस दोहरी नीत को समाप्त करके, क्योंकि आज हमारे जवान रिटायर होकर जा रहे हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं दोहरी नीत के चक्कर में। अगर हमारे विभाग में अगर एक्ट में संशोधन करके सभी मैं होमगार्ड जवान को और सभी कर्मचारी को अगर एक समान कर दिया जाए, तो हमको जो हमारे जवान ये जो रिटायर होकर आज जा रहे हैं, इनको सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय से यही निवेदन करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों की तरफ से यही निवेदन करता हूँ उनसे कि इस विभाग के तरफ कम से कम वो देखें और एक्ट में संशोधन करके इस दोहरी नीति को समाप्त किया जाए, जिससे हम जवानों के परिवार में खुशी आ सके। हम जवानों को भी रिटायरमेंट के समय पर कम से कम 50 लाख रुपया सरकार के तरफ से मिलना चाहिए, जो हमारे परिवार में कम से कम कुछ खुशी आए, हमारे बाल बच्चे जी सकें, हमारे जवानों के बाल बच्चे जी सकें। यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई श्री सुरेश चंद्र शुक्ला कंपनी तजवापुर और हमारे बड़े भाई श्री गजेंद्र नाथ अवस्थी कंपनी तजवापुर, इन्होंने बड़े ईमानदारी भाव से 60 साल सेवा 38 साल सेवा विभाग में किया, 60 साल उम्र क्रॉस करके आज रिटायर होकर जा रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करके जा रहे हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।